नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ जिले में एक मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामला आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के कादनपुर गांव का है, जहां गांव के मनवर किस्म के लोग तेज प्रताप यादव के खेत का धान काटने लगे। ये देखकर परिवार के लोग वहां पहुंचे और 100 नंबर पुलिस को सूचना देने के बाद विरोध किए, जिसके बाद आक्रोशित मनवरों ने लाठी डंडे से जमकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और उसको वायरल कर दिया। वही पीड़ित परिवार का कहना है कि मनबड़ों ने इतनी बेरहमी से उनके परिवार की पिटाई की है, जिसमें उनके पिता और उनके चाचा का पैर टूट गया, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। पीड़ित का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसे न्याय मिले। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामला मेरा है जो है, मैं धान लगाया हुआ था और धान जो है गांव के कुछ लोग जो जबरदस्ती उसको काट रहे थे। उसको मना करने के बाद हम लोग जो 100 नंबर भी बुलाए और 100 नंबर मौके पे आई और 100 नंबर जो है मना नहीं कर रही थी, और मना करने के बाद वो लोग जो है लाठी डंडों के साथ जो है हमारे पूरे परिवार को जो है बहुत मारे पीटे हैं, जिसमें से मेरे चाचा का जो है दोनों पैर टूट गया है और मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है और मेरे भाई का। कौन लोग मारे हैं? विपक्षी लोग। कौन लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं? सर वो लोग जो है मनबर टाइप के लोग हैं और 2-3 बार जो है हमारे परिवार को मार चुके हैं। एक बार तो हमारे चाचा और भाई को मारे, दूसरी बार हमारी चाचा और छोटे भाई को मारे, तीसरी बार पूरे परिवार को मारे हैं। अच्छा, तो पुलिस कार्रवाई कुछ की इस पे? जब पुलिस जो है हमको मौके से घटनास्थल से उठा के PSC ले गई, उसके बाद से पुलिस का जो है कुछ अता पता नहीं रहा और हमारे परिवार जो है 17-18 दिन लगभग सदर अस्पताल में एडमिट थे और पुलिस तब तक भी कोई खोज खबर नहीं ली और ना तो अभी तक वो जो है मेडिकल वहाँ से आई है। देखिए, इस संबंध में एक मुकदमा थाना दीदारगंज पर पंजीकृत है, कादनपुर का मैटर है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।